जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, यादविंदर गोमा भाई जिंदाबाद, यादविंदर गोमा भाई जिंदाबाद, यादविंदर गोमा भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहुंच जाऊंगा सार 4:45 बजे, पहुंचो तैयार होके बैठा जा, जो केसर किशोर जी का फोन है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम सबको एकत्रित होके हाई कमांड के पास जाना पड़ेगा। अगर वहाँ चलते हैं वहाँ जाते हैं, यादविंदर गोमा भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, आपका नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, पैराशूटी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, पैराशूटी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, पैराशूटी नहीं चलेंगे। यादविंदर गोमा भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर हम ये अपना रोष यहाँ तक ही प्रकट करते हैं तो ये प्रवीण भाई से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये यहाँ तक ही रोष रहेगा, कुछ नहीं होगा। अभी तक जो सीट है होल्ड पे रखी हुई है, पाल जी की पोस्ट मैंने अभी पढ़ी, जगजीवन पाल की पोस्ट मैंने अभी पढ़ी, 3 घंटे पहले पोस्ट डाली है। उन्होंने भी अपने लोगों से ये कहा है कि थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, सही होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये चीज वही है, अगर हम यहाँ सुस्ती में लेटे रहे, बैठे रहे, तो डिसीजन जो है वो सीट होल्ड पे है, वो फाइनल भी हो सकती है। इसलिए हम सबको आज रात ही अगर कुछ करना है, भाई भाई रेडी है, मेरे साथ 4-5 आदमी हैं, मैं अपने अपने एक एक गाड़ी लेके 5-5 आदमी अपने खर्चे पे जाने को तैयार है। हाई कमांड के पास ये फैसला पहुंचाना पड़ेगा, तब ही इस टिकट के ऊपर कोई फैसला होगा। हम इस टिकट का बहिष्कार करते हैं, हमें ये टिकट मंजूर नहीं है। पार्टी जो है इसके ऊपर दोबारा फैसला करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। जैसा कि अभी हमारे पिछले जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने एक ही बात बोली है कि अगर हाई कमान जो है वो हमारी संगठन को नजरअंदाज करता है तो हमारा जितना भी संगठन है वो सारा एकत्रित होके जो है दिल्ली जाएगा, और हमारा संगठन जो है वो बड़े भाई यादविंदर गोमा जी के लिए जो है नेताओं से भी लड़ने को तैयार है, क्योंकि भाई ने जो है 5 साल पूरी पब्लिक में रहकर उनकी सेवा की है। और इसके विपरीत यदि अब हाई कमान जो है अपनी इच्छा से नेताओं के दबाव से जो है किसी भी अन्य व्यक्ति को जो है टिकट देता है, तो हम इसका सख्त विरोध करेंगे और हम इसके विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली तक जाएंगे। और मेरे सभी जितने भी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? भानु भाई आप दिल्ली चलो, तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 यादविंदर गोमा जिंदाबाद, यादविंदर गोमा जिंदाबाद, यादविंदर गोमा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यादविंदर गोमा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मित्र भानु कटोच जी, ओबीसी के अध्यक्ष प्रवीण मल्होत्रा, प्रवीण चौधरी जी, मेरे से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण मल्होत्रा जी, सभी हमारे जो जोन है उनके अध्यक्ष, सभी बूथों के अध्यक्ष, आप सबकी राय हमने जान ली। आप सबका ये एक ही सवाल है कि पिछले 5 साल जो है यादविंदर गोमा जो है वो विधानसभा में लोगों के सुख और दुख में शरीक हुआ है, हुआ है, हुआ है, आपके पास गया है, गया है, तो आपकी आवाज है कि यादविंदर गोमा को टिकट मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तो फिर आप सब यादविंदर गोमा के साथ है, साथ है, आप सब यादविंदर गोमा के साथ है, साथ है, तो मैं भी आप सब के साथ हूँ। यादविंदर गोमा जिंदाबाद। जिस तरह से मेरे से पूर्व सभी संगठनों के अध्यक्ष, इसमें ओबीसी के अध्यक्ष, एससी के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, और इसके अलावा यहाँ पर सभी मंडलों के अध्यक्ष, यगर कांग्रेस पार्टी जसीमपुर ब्लॉक कांग्रेस की पुकार नहीं सुनती है,
तो यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में ये लोग जो है वो अपने रिजिग्नेशन जो है रिजाइन जो है वो करेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करे, और कांग्रेस पार्टी हाईकमान को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है हमारी थुर विधानसभा जैसे पहले हुआ करती थी, जगीदी स्पैया केस में ऐसा हो चुका है कि एक पैराशूटी लीडर को यहाँ पे उतारा गया और हालत यह हुई कि उसकी जो है जमानत जब्त होगी और 3800 वोट मिले मात्र, जबकि लोगों की आवाज के ऊपर जगदीश पैया को जो है लोगों के पास जाना पड़ा। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां से जो है कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे उम्मीदवार को उतारे, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। मुझे पार्टी हाईकमान के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो लोगों की आवाज सुनेंगी, संगठन की आवाज सुनेंगी। यहां पर AICC से जो प्रभारी थे विकास उपाध्याय जी वो आए, सभी बूथों में गए, उन्होंने जो अपने साथ जो कोऑर्डिनेटर फिक्स किए थे उत्पल गोगई जी आसाम से, वो आए हर बूथ में गए और हर बूथ से एक ही आवाज आई। क्या आवाज आई? तो जब यादविंदर गोमा के पक्ष में आवाज गई, और उसके अलावा जो हमारे जितने भी यहाँ पर मौजूद थे, जितने भी सर्वे हुए, उनकी रिपोर्ट भी जो है यादविंदर गोमा जी के पक्ष में गई। तो क्या कारण है कि एक पैराशूटी को और उसको जो है आज उसका नाम कैसे ऊपर आ गया? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पैराशूटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पैराशूटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पैराशूटी नहीं चलेगा। मैं आप सबके साथ हूँ, क्योंकि कांग्रेस के जन है, सभी बूथों के अध्यक्ष है, सभी बूथों के BLA है। अगर वो सभी नहीं रहेंगे तो मेरा अकेला किसी के साथ चलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लोग मेरे पास आने से उनको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जसवंत अग्रवाल अकेला अध्यक्ष हो वो नीचे किसी को जिता सकता, क्योंकि आप सब हैं, आप सब कहेंगे तो हमें तो। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।